अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई टिक्का, जिसके लिए मैंने 1 kg चिकन ले लिया विद बोन्स। आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मेरे पास दही है, 3/4 कप मेरे पास क्रीम है, बटर है 1.5 टेबल स्पून, 1 लेमन है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला है और 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, और 15 से 20 काजू हैं, हरी मिर्च है बारीक वाली 8 से 9 और 1 धनिया है। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। लेमन जूस, दही और लहसुन अदरक, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डाल के इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी। काली मिर्च और चाट मसाला मैंने हाफ हाफ ऐड किया है। हरी मिर्च और काजू जो मैंने पीस लिए थे अब एक साथ ग्रेंड कर लिए थे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने जो है 1/4 कप ऑयल गरम किया है, 2 टेबल स्पून उसमें मैं मक्खन ऐड कर रही हूँ, और जो मैंने मैरिनेट चिकन की थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी मैं और फिर मैं इसे दरमियानी आंच पे 8 से 10 मिनट तक पकाऊँगी। बिल्कुल इसे ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा मसाला रहने देना है। जी 8 से 10 मिनट हो गए हैं और अब जो दूसरा मेथड है वो कुछ यूँ है। ये आप देखें, अभी बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है। आपने भी इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना, क्योंकि इसका जो मसाला है वो बाद में एंड में हमें चाहिए होगा। सो अब हमें क्या करना है, एक जो चिकन का पीस है इसको हमें स्टोव पे, अगर आपके पास ग्रिल है तो आप उस पर जो है उसको सेक लें। मेरे पास नहीं है ग्रिल अवेल अभी, तो फिर मैं स्टोव पे कर रही हूँ इस तरह दोनों साइड से। टेस्ट बिल्कुल आपको सेम ही मिलेगा। जी तो ये रेडी है। अब दोबारा जो है मैंने 1 टेबल स्पून मक्खन गरम किया है और इसमें मैं जो मेरे पास 3/4 कप क्रीम थी वो मैं ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। देन जो हमने टिक्के पकाए थे उसमें जो मसाला बच गया था वो, और इसके अलावा जो ब्लैक पेपर चाट मसाला मेरे पास रह गया था रिमेनिंग, वो मैं ऐड कर रही हूँ। क्योंकि पहले मैंने आपको दिखाया था मैंने हाफ ऐड किया था, हाफ मैंने रख दिया था बाद के लिए। अब मेरे पास जो मसाला था जो मैंने पहले टिक्के बनाए थे उसका जो मेरे पास ये मिक्सचर था वो ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को और अब मैं एक एक करके इसमें टिक्का ऐड कर दूँगी और 4 से 5 मिनट इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे और बस फिर ये रेडी हो जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जी तो ये बस रेडी, 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल रेडी है। इसका बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताएगा आपको कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।